नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल सिंह, आपका अपना साथी। इसमें मैं मौजूद हूँ, मैं टू नेशन के रेडियो स्टूडियो में, और मैं एक बार दोबारा से आपके समक्ष आ गया हूँ एक नया टॉक शो लेकर। आज का हमारा जो विषय है वह है बनारस के पर्यटन विकास के मुद्दे पर, और आज हमारे साथ स्टूडियो में दो महत्वपूर्ण लोग इसमें हैं। सबसे पहले तो मैं परिचय करना चाहता हूँ सुशांत जी का। सुशांत जी जैसा कि अभी वर्तमान में एक बहुत ही पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी सारे ये जो विदेशी हैं सैलानियों को के साथ ये इनका वर्क जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। और दूसरे हमारे समक्ष जो हैं आज अतिथि के रूप में आए हुए हैं वो हैं सत्यम भारद्वाज जी। ये अभी वर्तमान में मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो लेकर चलते हैं, आज इनसे बात करेंगे कि बनारस के पर्यटन विकास में क्या चीज़ें हो रही हैं, इसका इस वर्तमान में क्या विकास हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या किया जा सकता है, कहाँ कमियाँ आ रही हैं, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सुशांत जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में समझ। धन्यवाद राहुल, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोबारा से टू नेशन स्टूडियो में आने का मौका मिला, और मैं आप सभी लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा, चैम, राहुल और सत्यम का। सुशांत जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। एक ही बार आपको कॉल किया और आपने अपना समय दे दिया, बहुत कीमती समय दिया मुझे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसा आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने बनारस में काफ़ी समय दिया हुआ है, आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी किया है टूरिज्म में, और आपने स्कॉलरशिप भी पाया है, आप फॉरेन कंट्री में जा चुके हैं, 3 विदेश यात्रा कर चुके हैं आप, तो आप जो है बनारस के बारे में क्या सोचते हैं कि यहाँ पर्यटन जो है, पर्यटन के अस्तित्व से ही है जो कंटेस्ट में है, कितना विकास हुआ है अभी तक? राहुल जी, मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूँगी, मेरा एस्पेक्ट दो तरफा है, एक तो बनारस से फॉरेन जाने के पहले का और एक फॉरेन से आने के बाद का। फॉरेन जाने से पहले एक चीज़ ये थी कि मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि हम जब पढ़ाई करते थे कि बनारस एक कल्चरल हब है, हेरिटेज सिटी है, और यहाँ पर लाखों देशी विदेशी सैलानी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन चूंकि एक यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ की गंदगी, जो हमें कभी तब तक नहीं दिखी थी जब तक हम बाहर नहीं चले गए। जब मैं पोलैंड गया वहाँ पे, मैंने वहाँ चीज़ देखी। अब दोबारा आने के बाद एक बार को मुझे शर्म आती है, या फिर थोड़ा सा मुझे संकोच होता है पूछने में कि आपको हमारा शहर कैसा लगा जो विदेशी सैलानी आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल पे से ज़्यादा वो सबवे या वो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ जगह जगह इतनी गंदगियाँ हैं गलियों में, सड़कों पे, और लोग यहाँ पर जहाँ तहाँ ऐसे बेतरतीब कूड़े फेंकते रहते हैं कि जिससे उनके मन में बनारस की छवि एक गंदी जगह के तौर पर बन गई है। यकीन मानिए, बनारस का जो इतिहास है, जो उसका हेरिटेज है, ये बहुत इतना रिच है कि यूनेस्को ने दुनिया की मात्र 2 पुरानी शहर को गोद लिया, जिसमें एक इटली का रोम है और दूसरा एक इंडिया का बनारस है। ये बात बहुत कम लोग को पता है, लेकिन आप रोम को और बनारस को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको वो तस्वीर पूरी साफ समझ में आ जाएगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर गाय और सांड का जो है मतलब बहुत महत्व है, लेकिन वो भी इतने खुले घूमते हैं यहाँ पर, जानवर इतने खुले घूमते हैं, और वो गंदगी भी जाहिर सी बातें करेंगे, और उनको साफ़ करने का कोई यहाँ प्रबंध नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है विदेशी सैलानी आने से कतराने लगे हैं। सत्यम जी, आपको मैं कब से देख रहा हूँ, आप चेहरा झुकाए कुछ मुस्कुरा रहे हैं आप। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद सुशांत जी। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ राहुल जी कि मैं बहुत पहले से टू नेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी मैं इसके लिए काम करता हूँ, और आज मैं यहाँ पे गेस्ट के तौर पर आया हूँ, तो मुझे तो अंदर से एक खुशी सी महसूस फील हो रही है, बस मुस्कुराने का यही कारण है। मैं सत्यम जी का थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूँ। सत्यम जी जो है वर्तमान में आप दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं, और इसमें आप शोधार्थी भी हैं, कई सारे सेमिनार्स पेपर भी लिख चुके हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर इनके सेमिनार जो पेपर जो वो छप चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आज जो कंडीशन है वर्तमान में, बहुत सारे जो राजनीतिक जुगाड़ है, ये बनारस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ये यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए, यहाँ पे शिप होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें परियोजनाएं हैं, तो आप किन किन परियोजनाओं के बारे में कुछ परियोजना बताइए जो बनारस की परियोजनाएँ आ चुकी हैं, जो कि इसको पर्यटन के विकास के लिए चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप लाइट दीजिए। देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, ये जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं, इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ ही नज़र आता है। इन्हें ये नहीं पता होता कि आपके इस बातों का कितना प्रभाव पड़ता है, वो वैश्विक स्तर पे हो
या फिर घरेलू स्तर पे हो, आप सिर्फ अपनी बातों से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, आप करते क्या हैं लोग ये भी देखते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से ये शोर मचाया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा ही कि बनारस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बन चुका है, तो इसके पर्यटन में विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी ही अकेले करेंगे कि या सभी राजनीतिक दलों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पर्यटक यहाँ पे आते हैं दिन पे दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से सभी को मिलकर ही एकजुट प्रदर्शन करके ही हम बनारस को अच्छा पर्यटक स्थल बना सकते हैं। रही बात परियोजनाओं की, तो परियोजनाएं आती हैं और बीच में ही छोड़ी जाती हैं। मेरा मानना है कि किसी एक परियोजना को पकड़ी जाए और उसे पूरी तरह से फाइनल रूप दिया जाए, क्योंकि बिना फाइनल रूप दिए एक परियोजना आधे पटकाते हैं फिर पूरा दूसरा शुरुआत करते हैं तो पूरी परियोजना नहीं होती और बाद में लोगों को दिक्कतें महसूस होती हैं। सुशांत जी से मैं पूछना चाहूँगा कि बनारस में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, अब उनके बारे में कुछ आप प्रकाश दीजिए, कौन कौन सी जगह हैं जो कि पर्यटक जो आते हैं उसको बहुत दालीनता से उसको देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, ऐसे किन किन जगहों के बारे में आप कुछ संक्षेप में बताएंगे आप उसके बारे में? राहुल जी, मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जैसे कि बनारस जो है फेमस है गंगा नदी के लिए और उसके घाटों के लिए, एक चीज़ आप कभी गौर कीजिएगा, एक हमारे यहाँ जो रेत का एक बहुत बड़ा मैदान है, ये दरअसल गंगा किनारे बहुत से जगहों पर ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि कलकत्ता में जहाँ गंगा हुगली नदी के नाम से जानी जाती हैं वहाँ पर भी आपको ऐसा फील्ड, ऐसा चौतरफा जगह नहीं मिलेगा। आपको कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार से लेकर कहीं पर भी आपको ऐसा रेत का बड़ा मैदान नहीं मिलेगा, पहला थे। दूसरा, एक कॉन्ट्रास्ट आप देखें यहाँ पे, आप जब नदी के बीचों बीच में हो, आप एक तरफ अपने देखें तो कहते हैं पत्थर के बने हुए घाट हैं, एक तरफ देखें तो कहीं कुछ नहीं है, तो आपको एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। दूसरा, कभी आप इजिप्ट का अगर आप फोटो देखें, इजिप्ट के पिरामिडों का और सब का, वो आपको एक तरह से ऐसा लगता है कि आप कहीं बनारस घाटों पे कहीं इजिप्ट का भी एक नज़ारा आपको देखने मिलता है, पीले पत्थरों का एक नज़ारा ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि आप इजिप्ट में हैं, जो बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ। दूसरा, यहाँ पर एक है कि गंगा जमुनी तहजीब, जो हिंदू और मुसलमानों की जो बात की जाए, औरंगजेब मॉस्क है जिसको औरंगजेब धरहरा भी कहते हैं, आपको बाहर से देखने में ये ऐसी नहीं लगेगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप ऊपर जा कर के देखेंगे, जो आपका है पंचगंगा घाट के ऊपर, आप यकीन मानिए इतनी बड़ी मस्जिद में शहर में भी आपको कहीं देखने को मिली जो घाट के किनारे है। ये तो हो गई देखने वाली चीज़ें, पर्यटक यहाँ देखने के आते हैं। बनारस में कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ही पौराणिक मान्यता ली हुई है, जैसे मणिकर्णिका घाट, माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती का जो है मणि गिरा था, जो यहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं या अंतिम संस्कार किया जाता है। आपको अजान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है कि यहाँ की चिताएं इस घाट पर या कहें आग कभी शांत नहीं होती, एक के बाद एक चिता यहाँ पे लगी थी, यहाँ तक कि बारिश में भी और गहरी ठंड में भी या गहरी धूप में भी यहाँ पर चिताएं हमेशा जलती रहती हैं। ये भी अपने आप में एक अनुपम चीज़ है। और लोग यहाँ पर बनारस में काशी वास करने के लिए आते हैं अपने अंतिम समय में, जब वो ऐसा होता है 60 पार कर जाते हैं, 70 पार कर जाते हैं, उनको लगता है कि अब वो उनको मरने के कगार पर है, मृत्यु के, तो वो यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर बनारस घाटों के पास किराए पे कमरे लेकर के रहते हैं और सोचते हैं कि जब हमारी मृत्यु अगर यहाँ होगी तो हम यहाँ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यहाँ का एक चीज़ ये है कि यहाँ पर राण साढ़ पंडा, ये आप जो एक कहावत कही जाती है, यहाँ पर आपको सभी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको पुजारी या फिर भगवा वस्त्र में पहने हुए साधु आपको यहाँ पे गांजा पीते हुए मिल जाएंगे, जो आपको दुनिया में कहीं और दूसरी जगह देखने को नसीब नहीं होगी। दूसरी, यहाँ पर सांड और इंसान साथ में ही यहाँ पर रहते हैं, जो अपने आप में एक अनुपम चीज़ है। दूसरी, यहाँ पर यहाँ इस शहर का मिजाज ही अलग है। अगर मैं आपको जो चीज़ आगे बताने वाला हूँ आप उसको समझेंगे, आप अगली बार से उस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। आपने कभी शिव जी को या उनकी बारात को देखा है? शिव जी को आपने देखा है? शिव जी के साथ कौन कौन होते हैं? उनके साथ एक नंदी, सांड या बैल होता है। साथ में जो लोग होते हैं वो अधनंगे होते हैं, पूरी तरह कपड़े पहने हुए नहीं। आप विश्वनाथ मंदिर के आसपास के एरिया में देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे जो यहाँ के रहने वाले हैं वो गमछा पहन के ही रहते हैं,
इस शहर का मिजाज समझिए, जहाँ शिव का वास है वहाँ पर लोग पूरा कभी पूरे कपड़े पहन के रह ही नहीं सकते। यहाँ पे वहाँ ये ठंडई भांग गांजा मेन शहर में चलती है ये चीज़ें। एक तरह से ये शिव का वास असल में ही शिव का वास करने का जगह है और लोग भी शिव के अनुयायी बन के ही रहते हैं, भले ही उनको खुद ना पता हो, लेकिन ये मिजाज है। आप किसी शहर में, यहाँ तक कि दिल्ली के चांदनी चौक में चले आइए जो मेन पुराना इलाका है, वहाँ पर लोग आपको टिप टॉप कपड़े पहने हुए दिखेंगे, कोई गमछे में नहीं दिखेगा। यहाँ पर लोग बड़ा सा शरीर लेकर के केवल गमछा पहन करके भी निकल सकते हैं। ये ऐसी जगह है, ये शिव की नगरी है। और पर्यटक जो यहाँ पर यहाँ के मॉल या फिर यहाँ की चीज़ें देखने नहीं आते, जो नई चीज़ें हैं सड़कें देखने नहीं आते, वो यहाँ की गंदगी को देखने आते हैं, क्योंकि इस गंदगी का भी अपना एक अलग मज़ा है। और यहाँ के कहते हैं वो जानवरों को टहलते हुए यहाँ के लोगों का मिजाज को देखने आते हैं। यहाँ लोग एक ऐसा शहर है पूरी दुनिया का एकमात्र जहाँ बिना गाली दिए बात ही नहीं कर सकते। पहली बात आपने कही कि गंगा नदी के एक किनारे रेत है और एक किनारे जो है हमारा किला है जो कि ऐसे, तो वो आपने इजिप्ट की संज्ञा दी उसको। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप एक नए परिदृश्य से सोच रहे हैं, कितनी मतलब अच्छी बात है। और दूसरा आपने कहा कि जो शिव जी हैं, जो विश्वनाथ मंदिर है, उसके चारों तरफ का जो पूरा एरिया, वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, गमछा पहन के वो शिव की भक्ति में तल्लीन हो गए हैं बस। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारी नदी है गंगा नदी, इससे बहुत सारी आस्था जुड़ी हुई है। हर दिन हजारों लोग यहाँ पे दर्शन पूजन नहाने स्नान करने आते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब पर्यटन दृष्टि से क्या पर्यटन भी पर्यटक चाहते हैं कि गंगा नदी, मतलब उनके मन में क्या है गंगा को लेकर? राहुल जी ने अभी जैसा मुझसे पूछा है कि यहाँ पर सैलानी जो आते हैं, विदेशी पर्यटक या पर्यटक जो आते हैं, गंगा नदी को लेकर के उनका क्या मानना है। दरअसल देखिए, ये एक बात विश्व प्रचलित है कि जो गंगा जो है वो एक स्त्री का यहाँ पर हम स्वरूप दिए हैं उनको, वो एक नदी नहीं है या फिर कोई स्रोत से निकली हुई वो नहीं है, उनको हम गंगा माँ का दर्जा देते हैं। माँ जो शिव जी की जटा में वास करती हैं और जिनके ऊपर भी एक पौराणिक कथा है कि जब भगीरथ के पूर्वज जब मारे जा चुके थे तो उनको जलाने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए, उनकी अस्थियाँ बहाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो भगीरथ ने माँ गंगा से विवेचना की, उनसे प्रार्थना की कि आप धरती पर चलें और वहाँ पर आप चल के उद्धार करें। तो गंगा जब अपने रौद्र रूप में यहाँ बहने लगी तो उनको रोक पाना मुश्किल हो गया था, प्रलय की एकदम स्थिति बन चुकी थी। इसीलिए शिव जी ने उनको अपनी जटा में स्थान दिया और एक स्रोत उनके उनके जटा से निकला जो आज गंगा नदी के रूप में है। ये कहानियाँ विश्व प्रचलित हैं तो सैलानी इसको जानने के लिए आते हैं कि क्या कोई नदी कोई स्त्री का स्वरूप भी हो सकती है, पहली चीज़। दूसरा, गंगा नदी का जो पानी है, आप उसको एक बर्तन में लीजिए, आज भी उसको बर्तन में आप रख दीजिए, महीनों उसको रख दीजिए, उसमें देखिए कीड़े नहीं पड़ेंगे या पानी से महक नहीं आएगी। ये एक बहुत ही मतलब एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी ही खराब ना हो। दूसरी, गंगा में मल मूत्र और फैक्ट्रियों का निकला हुआ कचरा, यहाँ तक कि लाशें तक सारी कुछ बहाई जाती हैं, सारा कुछ मिलता है, लेकिन यकीन मानिए आज भी लोग गंगा के पानी को उतनी श्रद्धा से इस्तेमाल करते हैं जितना आज से बरसों पहले करते थे। आपने गंगा नदी के बारे में एक जो है साइंटिफिक हमें नॉलेज दी, जैसा कि आपने कहा कि गंगा नदी का जो जल है उसमें बैक्टीरिया जल्दी जीवाणु जो है पैदा नहीं हो पाते हैं, आप कई दिन तक उसको लगातार। हाँ, मैंने भी पढ़ा था एक मैगजीन में कि जो गंगा नदी का जल होता है उसको आप संरक्षित करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक। और ऐसा मानना है कि गंगा नदी जब बहती है जब तो हर गंदगी तो है नदी में, लेकिन क्या है कि 4 किलोमीटर बहने के बाद जो है उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने आप निर्जीव हो जाते हैं, उनके बैक्टीरिया जो क्षमता होती है ख़त्म हो जाती है 4 किलोमीटर जब गंगा नदी आगे बहती है। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और राहुल जी, मैं इसमें और भी कुछ जोड़ना चाहूँगा, गंगा नदी असल में स्वयं में यहाँ पर गंगा नहीं है, गंगा यहाँ पे नाम है। जब आप इलाहाबाद में संगम पे जाइए, गंगा जो अपने स्वरूप में है वो सफ़ेद है, दुधिया रंग में है, और यमुना का पानी ये जो हरा है, लेकिन जब वो मिलते हैं, यकीन मानिए आप उस संगम को देखिएगा तो दोनों पानी आपस में कभी मर्ज नहीं होते, कभी मिक्स नहीं होते। और वहीं से ऐसा पुराणों में माना गया है कि यमुना और गंगा जब यहाँ संगम पे मिली तो उन दोनों में एक टकराव हुआ कि आगे कौन जाएगा, तो ये सुलह वाली स्थिति बनी कि यमुना ही आगे जाएंगे लेकिन नाम उनका आगे गंगा पड़ेगा। और इसी तरह गंगा नदी में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ मिलती रहती हैं, वो नदियों का जो स्रोत होता है कई सारी जंगलों से आई हुई नदियाँ होती हैं जिनमें जड़ी बूटियाँ कई सारी मिली होती हैं, गंधक के पर्वत होते हैं जिनकी वजह से इसमें कीड़े नहीं पड़ते, मेन रीज़न इसका ये है। सत्यम जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि जैसा कि जब इस चुनाव के बाद जब बीजेपी सरकार जब आई थी यहाँ से, मोदी भी यहाँ से संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उमा भारती जी जो हैं वो गंगा का उनको गंगा नदी का उनको पूरा जो दायित्व मिला है उनको संभालने का, शुरू से उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं गंगा नदी की साफ सफाई को लेके, गंगा नदी के विस्तार के लिए लेके, गंगा नदी में जो कछुआ जो है टर्टल सेंचुरी के लिए, गंगा नदी में पर्यटक के विकास के लिए, गंगा नदी में परिवहन के लिए, इन सब मुद्दों पर क्या आपकी सोच है, क्या राय है कि ये सब चीज़ें कहाँ तक पहुँची हुई हैं, सब चीज़ें परियोजना है सब कहाँ तक पहुँची हुई, बात कहाँ तक पहुँची हुई है? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी एनडीए गवर्नमेंट आई, सबसे बड़ा उसने काम किया कि उस व्यक्ति को, उस महिला को उन्होंने ये मंत्रालय दिया, गंगा नदी से संबंधित मंत्रालय दिया, जो इस पे पहले भी काम कर चुकी हैं और उनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहा है। रही बात योजनाएं जो बनाई जा रही हैं कि शिप चलाई जाएंगी, सेंचुरीज को लेकर चलाई जाएंगी और ढेर सारे प्रोग्राम उन्होंने चला दिया है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं 5 सालों में 2019 तक पूरी गंगा को साफ कर दूंगी, साफ करवा दूंगी। राहुल जी, पहले भी पैसे पास हुए हैं, पहले भी बजट बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे कि गंगा में सफाई काम किया जा सके। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ दिल्ली हो, कानपुर हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, हर जगह छोटे मोटे फैक्ट्रियों से, नालों से सारा का सारा जितना भी जहरीला पानी है वो गंगा नदी में सीवर के द्वारा बहाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी जो हैं हमारी उमा भारती जी, उनको लोगों में एक भावात्मक चीज़ें जोड़ना चाहिए जिससे कि लोग सबसे पहले गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए आ गए हैं, उसमें जितने भी प्रदूषित चीज़ें हैं वो बहाने से बाज आएँ। क्योंकि सिर्फ मंत्रालय के करने से या फिर शिप चलाने, शिप तो चल ही नहीं सकती क्योंकि गंगा का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नावें चलने में कठिनाई होने लगी है धीरे धीरे। जैसे सत्यम जी, माफ़ी चाहूँगा मैं आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, मानता हूँ कि गंगा में थोड़ा गंदगी है अभी और उससे पैसे भी बहुत सेंशन हुए, लेकिन पर्यटन दृष्टि से इसमें शिप चलाई गई है और ये चलती है, बनारस से ये कलकत्ता के लिए ये शिप चलती है। आप देखें तो महीने में इसका 2 बार आना जाना होता है हर 15 दिन पर। सुशांत जी, लेकिन कितने दिन तक? धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, आप संगम के क्षेत्र में जाएंगे जहाँ भी पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ा कुंभ मेला हुआ है, तो गंगा पूरी तरह सिकुड़ गई हैं, आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ गई हैं और पानी का स्तर एकदम ही कम हो चुका है। लेकिन सत्यम जी, बात देखिए, बात यही कि विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने की बात है, तो इसमें क्या है कि जो शिप चलती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, वो एक बार में 100-150 लोगों को ले जाती है और इसमें खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था होती है और जगह जगह वो रुक करके सैलानियों के लिए एक बारबेक्यू, डांस और बोनफायर ऑर्गेनाइज कराती है, जिसमें आप 8 से 10 हज़ार प्रति पर्सन दे करके एक बार का आप टूर एक साइड का ले सकते हैं। हाँ। और ये चलती है। सुशांत जी, सबसे बड़ी बात हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि ये चीज़ें चलाई जा रही हैं और बहुत अच्छी है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में आपको पता है कि गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती हैं बहुत से जगहों पर पीपा पुल बनाया गया है जहाँ से लोग गुजरते हैं, और इस जहाज के लिए सिर्फ पर्यटक को दिखाने के लिए हम अपने लोगों को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जहां से पीपा ब्रिज को तोड़ा जाता है वहां का आवागमन ठप हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसी हैं, रामनगर का देख लीजिए, वो भदोही क्षेत्र में जाएंगे तो रामपुर आपको मिल जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं जिससे एक तरफ से दूसरे तरफ लोग जाते हैं और सुविधाओं की चीज़ें अपने अपने सुविधा अनुसार करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या फिर मंत्रालय को जो भी है उन्हें गंगा की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, अगर ये काम हो जाता है तो फिर हम बहुत दिनों तक अपने पानी के स्तर को, नदी के स्तर को और जीविका को भी चला सकते हैं, जिसमें नावें चलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं नहीं समझता, ये मेरा सिर्फ मानना है। सत्यम जी, पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आपने, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और पर्यटन के लिए भी आपने, आपकी बहुत सारी स्टोरी जो छप चुकी हैं पर्यटन के बढ़ावा के लिए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मीडिया जो है इसके पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए, गवर्नमेंट को संचालित करने के लिए क्या दिशा कदम, क्या रणनीति अपना रही है? राहुल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। सबका मीडिया ही तो कर रही है, अगर देखा जाए बनारस की जो छवि है वो बाहर मीडिया ही ले जा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, किसी भी माध्यम से मीडिया ही ले जा रही है। लेकिन मीडिया को सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है बनारसियों से,
बनारस के जो पर्टिकुलर बनारसी हैं। कारण यह है कि बिना इनके सहयोग के मीडिया कुछ नहीं कर सकता, हम अपने जगह की बुराई नहीं कर सकते कहीं, और हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो हमारी पूरी टीम बना रही है, कि सबसे पहले यहाँ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कमियाँ हैं, उसको हम दूर करें लोगों में अवेयरनेस बढ़ा के, क्योंकि अवेयरनेस जैसे ही लोगों में आती है तो वो चीज़ें धीरे धीरे सुधरनी शुरू होती है और लोग आकर्षित होते हैं बनारस की तरफ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी जब सैलानी पर्यटक विदेशी सैलानी जब घाटों पर घूमते हैं तो कुछ जो घाट पर रहने वाले लोग होते हैं उन्हें परेशान करते हैं, बहुत सी नशीली चीज़ें होती हैं, ड्रग्स भी होते हैं या फिर भांग होती हैं, ज़बरदस्ती उनको खिलाई बेची जाती है, उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है। कभी कभी लंबे बाल रख के सैलानी आते हैं, उनके बाल को भी खींचा जाता है। वडी मूपति जो कि अमेरिका के पर्यटक थे, वो एक बार आए थे, इस चीज़ से वो काफ़ी लाचार थे कि बार बार बच्चे और लोग उनके बालों को टच करके खींच रहे थे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले बनारसियों में मीडिया के द्वारा अवेयरनेस लाई जाए जिससे कि लोग उनको अपने जैसा माने, अपने फैमिली का हिस्सा माने। जितने विदेशी लोग यहाँ जुड़ेंगे उतने विदेशी लोग आएंगे, क्योंकि एक विदेशी पर्यटक ही दूसरे पर्यटक को यहाँ पे लाएगा कि बनारस ऐसा है, यहाँ घूमो, और अगर ऐसा होता है तो हम पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ ला पाएंगे और आकर्षित कर पाएंगे। सत्यम जी और सुशांत जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे सब्जेक्ट पे आपने काफ़ी अच्छी बात की। मेरा अंत में आपसे दो प्रश्न और है। पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आप दोनों लोगों को दो दो ऐसी मूलभूत जो समस्या है पर्यटन के विकास के लिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो विदेशी सैलानी आते हैं उनको इस तरह से परेशान किया जाता है यहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से। पर्यटक की बात करते हैं तो केवल पर्यटक हमारे केवल जो दूसरे देश से आए हुए सैलानी हैं वही नहीं है, हमारे जो देश के अंतर्गत जो दूसरे राज्यों से आए हुए पर्यटक जो हैं, जो बनारस के बारे में नहीं जानते हैं, जाना चाहते हैं, वो भी हमारे पर्यटक हैं, हम पूरे पर्यटक को लेकर चल रहे हैं। तो हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि कोई दो समस्या, आप मूलभूत समस्या बताइए, दो समस्या बताइए जो कि पर्यटन के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। पहली बात तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सफाई नहीं है यहाँ पर, गंदगी बहुत ज़्यादा है, लोगों को यहाँ पर सिविक सेंस नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, मैं खुद बनारस का रहने वाला, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों को सिविक सेंस नहीं है। वो पान मसाला से ले करके यहाँ तक कि फल भी खाते हैं तो जो भी उनका कचरा बचता है वो जहाँ तहाँ बैठे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि डस्टबिन उनके जस्ट एक फुट की दूरी पर है, वो डस्टबिन के नीचे फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर की कमी है। पहली बात तो यहाँ पर आप देखें तो इंफॉर्मेशन सेंटर गिने चुने हैं, एक तो आपका कैंट रेलवे स्टेशन पे है, दूसरा यहाँ पर आपके दशाश्वमेध पे है, वो भी पूरी तरह से वर्क नहीं करते, कभी कभी वहाँ पे ऑफिसर्स पूरी तरह मिलते नहीं हैं। मेरा अब जहाँ जो विदेशों का एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये था कि हम भी नए थे वहाँ पे, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन सेंटर से कमी नहीं थी, हमें वहाँ पर एक छोटा मैप मिल जाता था उस शहर का और वहाँ की जानकारियाँ मिल जाती थी, और हमको फिर जाने में एक मैप भी मिलता था, तो जिससे घूमने की जगह पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर बढ़ाए जाने चाहिए, लगभग हर घाट पे रखने चाहिए। अब सत्यम जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोई दो समस्या बताइए आप। जहाँ तक मेरा मानना है राहुल जी, तो सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए बनारस के लिए, खासकर बनारस के लिए जहाँ पर्यटक ज़्यादा आते हैं, किराया जिसको लेकर वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऑटो वाले हों, रिक्शा वाले हों, जो भी हों, जब वो पर्यटक को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा 3 से 4 गुना तक किराया बढ़ा बताते हैं। जैसे आप देखेंगे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से अगर वो बैठाते हैं और दशाश्वमेध घाट पे लाते हैं तो उसका वो 200 रुपया चार्ज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब पर्यटक हमारे यहाँ आए तो उन्हें इस सब चीज़ों की दिक्कतें ना हों। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके रहन सहन की और खाने पीने की, सारे होटल जितने हैं उनको उनकी सुविधाओं के हिसाब से एक सेट कर देना चाहिए, इतनी हमारी रेट है इस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा रेट में पर्यटक परेशान होते हैं और वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, बहुत ही आप समझिए 2-3 शब्दों में इसको पूरा करने के प्रयत्न करिएगा। बनारसी कितना बदले कि बनारस बदल जाए, केवल 2 शब्द सुशांत जी। बनारसी इस सोच को बदल दें कि यहाँ सब कुछ चलता है। बनारसी मत बदले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिस दिन वो बदल जाएंगे उस दिन बनारस बनारस नहीं रह जाएगा। धन्यवाद सुशांत जी, धन्यवाद सत्यम जी, आप दोनों लोग हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया और इस पूरे मुद्दे पे एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, एक अच्छी बात हुई, एक अच्छा व्यवहार बना।
और आशा करता हूँ कि हमारे श्रोतागण को पूरा टॉक शो जो हमारा है, पूरी बात वार्तालाप हमारी जो है, उनको बहुत ही रोचक लगी होगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल सिंह अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। एक बार फिर से मैं अगले सप्ताह मैं फिर से इसी कार्यक्रम में आपके साथ मिलूँगा, एक नए विषय के साथ, नए लोगों के साथ में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।